हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ में स्वस्थ हैं और खुश हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा आपके प्रश्नों के अनुसार ही इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस के आशाकिरण हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। अगर आप एक ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जहाँ पे प्रीमियम पे 50% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाए अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, और उसी के साथ में वो सिर्फ आपकी बेटियों के लिए हो, और उसी के साथ में आपको एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन भी मिल जाए, तो ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे, प्लान आपको पसंद आ सकता है। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा, आप देख रहे हैं यू द रियल। देखिए, प्लान का नाम है आशाकिरण, राइट, और ये न्यू इंडिया एश्योरेंस की तरफ से इसका नेम हो जाता है द न्यू इंडिया आशाकिरण हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस प्लान को वही लोग ले पाएंगे जिनके घर में सिर्फ बेटियां हैं, राइट। अगर बेटे हैं तो फिर उसके लिए आपको अलग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान यहाँ पे लेना पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप बेटियों को अंडर द कवर करते हैं, जो कि मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको ही आप अंडर द कवर कर पाएंगे, तो उनका जो प्रीमियम होगा उसमें 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2 अडल्ट एंड 2 चिल्ड्रन अंडर द कवर इस प्लान में आएंगे। प्लान को लेते वक्त एज आपकी अगर 50 साल की होगी तो ऐसे में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन जरूर कराना होगा, मेडिकल रिपोर्ट आपको अपनी सबमिट करनी होगी। एज का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे वो है अडल्ट के लिए मैक्सिमम 61 इयर्स तक, मिनिमम 18 इयर्स, और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जो एज है वो है 91 डेज से 25 इयर्स तक। इस प्लान के अंदर न्यू बॉर्न बेबी गर्ल चाइल्ड अंडर द कवर आएगी अगर आपने ये प्लान को 2 साल तक कंटिन्यूसली अंडर द कवर रखा। प्लान लेने के बाद अगर नेक्स्ट ईयर आप चाहते हैं कि आपका समर शॉट इंक्रीज कर दिया जाए, वो भी इसमें ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे में कंपनी चेक करेगा आपका हेल्थ का स्टेटस, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन। समर शॉट का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख एंड 8 लाख रुपीज का, और प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का आपको मिलता है। डोमिसाइल ट्रीटमेंट आपको अंडर द कवर मिल जाते हैं। ऑर्गन डोनर प्रोसीजर जो है वो अप टू द समर शॉट आपको अंडर द कवर मिल जाता है। एम्बुलेंस के लिए आपको 1% ऑफ द समर शॉट आपको अंडर द कवर मिलता है। रूम रेंट पे, नॉर्मल रूम रेंट पे आपको 1% ऑफ द समर शॉट मिलता है, कैपिंग है यहाँ पे, और आईसीयू के लिए 2% ऑफ द समर शॉट आपको मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपको मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस प्लान का एक फीचर है। आपको ऑप्शन मिलता है कि आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो सेल्फ इंश्योर्ड है और स्पाउस है, मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और ऐसे में अगर जो प्राइमरी मेंबर है इंश्योर्ड व्यक्ति स्पाउस के साथ में, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो 100% ऑफ द समर शॉट मिल जाएगा किसको, बेबी गर्ल को, ठीक है, राइट। कैसे मिलेगा भी बताऊंगा। और इसी के साथ में मान लीजिए अगर स्पाउस की और सेल्फ इंश्योर्ड व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंटल केसेस में, तो अप टू द 200% ऑफ द समर शॉट मिलेगा किसको, बच्चे को, किसको, बेबी गर्ल को। मान लीजिए बेबी गर्ल अगर माइनर है तो इस केस में पैसा जाएगा एक फिक्स डिपॉजिट में, एक नेशनलाइज बैंक में, जैसे ही बच्ची अडल्ट होगी उसको वो पैसा मिल जाएगा। रेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसेबिलिटी है उसके लिए भी यहाँ पे कवर इसी के अंदर मिल जा रहा है, पार्शल हो रही है तो भी, और अगर मेजर हो रही है तो भी इसमें कवर देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ इस प्लान में आपको क्रिटिकल केयर बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, जिसका लिमिट है 10% ऑफ द समर शॉट वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब कि पूरे पॉलिसी पीरियड में एक बार ही मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके समर शॉट में से डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्ट नहीं हो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा यहाँ पे 10% ऑफ द समर शॉट आपको क्रिटिकलनेस के लिए ही मिल रहा है। अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ एलिमेंट है तो क्रिटिकल केयर बेनिफिट काम नहीं करेगा, लेकिन अगर प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ एलिमेंट नहीं थे तो ये काम करेगा। और इसका पूरा एक लिस्ट है जो आपको चेक करना होगा, मैं एंड तक आपको बताऊंगा आप कैसे चेक करेंगे। डेली अलाउंसेस जो होते हैं जिसे आप कैश बेनिफिट बोलते हो, वो 0.1% ऑफ द समर शॉट पर डे तक मिलता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 1% ऑफ द समर शॉट तक ही आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसी के साथ इस प्लान में हमें डे केयर एलिमेंट भी अंडर द कवर मिलते हैं, और जो डे केयर प्रोसीजर होता है वो क्या है कैसा, उसके ऊपर ऑलरेडी चैनल के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, जाकर के हेल्थ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें वो वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए, डे केयर जब अंडर द कवर आता है तो वहां पे कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसको प्री स्पेसिफाइड इलनेस या ट्रीटमेंट या डिजीज में अंडर द कवर किया जाता है, तो उस पे 24 मंथ का वेटिंग पीरियड होता है। मान लीजिए उनमें से एक हो गया कैटरेक्ट, अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा तो 10% ऑफ द समर शॉट या 50,000 रुपए पर आई ऑपरेशन के ये मिल जाएंगे, लेकिन 24 मंथ का वेटिंग पीरियड के अंदर ये आता है। इसी के साथ में जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है वो भी आपको यहाँ पे अंडर द कवर मिल जाता है, जिसमें आपको आपके समर शॉट का 25% तक कवर देखने के लिए मिलता है।
और नेक्स्ट आता है आपका कॉन्जॉइंटल डिजीज। अब जो कॉन्जॉइंटल डिजीज जो है इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। कॉन्जॉइंटल डिजीज अगर इंटरनल है तो 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है, और अगर एक्सटर्नल होंगी तो 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है, जो क्लेम मिल पाएगा अप टू द 10% ऑफ द समर शॉट आपको यहाँ पे मिल पाएगा। इसी के साथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो कुछ बिल्स जो होते हैं हमें इमीडिएट पे करने पड़ते हैं। अगर ऐसे जो बिल है या ऐसा जो अमाउंट है वो हमारे हॉस्पिटल बिल का अगर पार्ट है, जो हॉस्पिटल बिल जो देगा हमें हॉस्पिटल उस प्रोसीजर के अंडर है वो उसका पार्ट है, बिल में वो मेंशन है, और वो 10,000 रुपीज तक का अगर वो अमाउंट है तो कंपनी हमें क्लेम देगी अगर वो कैश में है, और अगर 20,000 रुपीज का है अगर वो चेक में तो उसका क्लेम हमें मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ऐसा हो जाता है तो वो भी आपको अंडर द कवर यहाँ पे मिलता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं रह रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में भी आप नहीं रह रहे हैं, मतलब कि आप जोन वन में नहीं है, जोन टू में है जो कि मेट्रो सिटीज से बाहर का एरिया होता है, एनसीआर के बाहर का जो एरिया होता है वो जोन टू में आ जाता है। आप जोन टू में रहते हैं और आपने जोन टू के हिसाब से प्रीमियम पे किया है और आप जोन वन में अगर जाके ट्रीटमेंट लेंगे तो 20% का कोपे एप्लीकेबल होगा, राइट। अब देखिए कॉन्जेनिटल डिजीज क्या है, क्रिटिकल इलनेस कौन सी है, और परमानेंट एक्सक्लूजन कौन कौन से हैं, राइट। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्सक्लूजन होते हैं जो कि डेली केयर में शामिल हो जाते हैं लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो वो एक्सक्लूडेड लिस्ट में आ जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है, इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा आराम से, वहां से जो भी आपको डाउनलोड करना है आराम से आप वहां पे पढ़ सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि जो प्रीमियम का चार्ट है वैसे यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए कि वहां पे डाउनलोड ना करना पड़े या वहां पे जाने के झंझट आप नहीं चाहते हैं तो ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे व्हाट्सअप करें, आपको इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे अपनी ओपिनियन इस प्लान के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए प्लान की जो इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ हम लोगों के सामने रखी गई है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, हर चीज क्लियरली मेंशन है। वो चीज मुझे सबसे ज्यादा इसकी पसंद आई है। दूसरा, कंपनी का जो क्लेम रेशियो है वो 92% 95% 97% तक रहता ही है, और आईसीआर भी इनका अच्छा रहता है, राइट। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो क्लेम भी मिल ही जाता है, क्लेम प्रोसेस यहाँ पे अच्छे तरीके से हो ही जाता है। रीजन सिर्फ इतना सा है कि पहले से ही सारी चीजें क्लियरली मेंशन है तो आपको हर चीज समझ में आती है, और आती है तो आपको आराम से क्लेम यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी चीज, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी यहाँ पे मिल जाती है एक्सीडेंटल केयर के रूप में, जहाँ पे डेथ भी कवर में है, परमानेंट डिसेबिलिटीज भी कवर में है, और पार्शल डिसेबिलिटीज भी अंडर द कवर मुझे देखने के लिए मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि इस बात का ध्यान रखा गया है कि पैसा अगर बच्चों के पास जा रहा है तो किस अवस्था में जा रहा है, अगर माइनर है तो माइनर केसेस में ऐसा बहुत सारी प्रोडक्ट में देखा गया है कि काफी ज्यादा बच्चों का भी मिसयूज हो जाता है और पैसे का भी, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा के रखा हुआ है कि अडल्ट होगा तो वो मिल जाएगा। तो मुझे पसंद आया, मैं इस प्लान को कंसीडर करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं तू इस कंपनी का ये कर रहा है वो कर रहा है, भाइयों मैं किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबे टाइम से मैंने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए काम करना छोड़ दिया है, कभी करता था लेकिन नहीं, और उसके पीछे का जो रीजन है वो मेरी हेल्थ रही है, मैं अपनी हेल्थ की वजह से वो काम मुझे छोड़ना पड़ा है, राइट। तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो एंड तक देखा, अगर आपको डिटेल क्लियर लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके पास रीजन है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलता हूँ, विदा लेता हूँ, लेकिन आपको जरूर से एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूँ, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेता।